बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। जी हाँ, और यकीनन वो हिंदुस्तानी तो हमारे बहुत दोस्त जो दोस्त हैं बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन या खुश हो रहे होंगे। अब एप्पल ने सीएफओ जो हायर किया है, अपॉइंटेड किया है, वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखता है। पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के सीईओज लगे हुए हैं। मैं खुद जाना, मेरे मेरे कान तरस चुके हैं कि मैं देखूं यार, मेरे 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 पाकिस्तान ने फलान चीज में बहुत तरक्की कर ली। बताया पाकिस्तानियों की कुछ गलतियां भी इसमें हैं, हमारे जो लोग यहाँ से चले जाते हैं ना वहाँ पे, उनकी भी कुछ गलतियां हैं। वो ये कि वहाँ पे ये लोग गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, गलत काम करते हैं। एक तो ये इससे हमारे मुल्क का इमेज बहुत खराब हो रहा है दुनिया पूरी में। ये लोग जाते हैं वहाँ पे जाकर ये भीख मांगते हैं। ये मंशा नहीं थी हजरत कायदे आजम की, और ये मंशा नहीं थी उन अजीम शहीदों की जिन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। मंशा यही थी, और अल्लाह ताला का भी ये हुक्म है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। खागन साहब, इससे पहले भी हमने जिक्र किया था जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं लाइक टेलन और टोटल है, जो एक एक करके इस वक्त अपना सामान यहाँ से समेट रही हैं, और यहाँ से वो चाहे नुकसान की सूरत में वो अपनी सरमाकारी को वापस लेकर जा रही हैं। ये कितना बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान में एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस के लिए। हम कारोबार करें क्या, कारोबार करें क्या, गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या, वो भी सबसे बड़ा फेलियर है। ये दोनों अकेले अकेले काफ़ी हैं पाकिस्तान को डुबोने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों के मन में इंडिया के प्रति दुश्मनी की भावना तो है ही, लेकिन अब इसी के साथ साथ क्योंकि इंडिया न सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि एक पॉलिटिकल पावर हाउस भी बनता जा रहा है वर्ल्ड का, उसके साथ साथ जो भारतीयों का दबदबा पूरे विश्व में छाता जा रहा है, खास तौर से मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर, जिसको देख करके पाकिस्तानी जलते रहते हैं और पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम को कोसते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी में एक और ऐसी खबर आई है जिसमें कि एप्पल कंपनी के सीएफओ अब एक भारतीय लगने जा रहे हैं, जिसके ऊपर फिर से पाकिस्तानी मीडिया कोसने लगी है पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम को कि आखिर कोई पाकिस्तानी दुनिया के बड़ी कंपनियों के सीएफओ या सीईओ क्यों नहीं बनते। तो उसका आंसर केवल एक ही है, और वह है जो पाकिस्तानी माइंडसेट है। वैसे भी अभी हाल ही के दिनों की जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर, स्वीडन के अंदर, नॉर्वे के अंदर या फिर ब्रिटेन के अंदर ही क्यों ना हो, अक्सर यह देखने को मिला है कि जो पाकिस्तानी ज़्यादा पढ़े लिखे जाते हैं, अच्छी नौकरियाँ मिल भी जाती है उनको, लेकिन फिर भी उनका जो माइंडसेट है, जो पाकिस्तानी माइंडसेट है, वो नहीं बदलता, जिसकी वजह से मुल्लों से भी कभी कभी आगे चले जाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। अफसोस के साथ ये है कि 2 बिलियन मुसलमान है दुनिया के अंदर, और उनकी ख्वाहिश क्या है, या तो सारी दुनिया या इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान हो जो, वरना हम गला काट देंगे। क्यों भाई, क्यों, किसने आपको ये राइट दिया ये बातें करने का? और ये सदियों से हो रहा है। अब्बासियत दौर के बाद इराक, इराक और सीरिया के अंदर आपने तालीम से बायकॉट कर दिया, और आपकी आज तबाही का सबसे बड़ा वजह यही है कि आप अब तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मुझे, मैं यहाँ दुबई के अंदर कल मेरी डिस्कशन, उन्होंने कहा जी बड़ा पैसा, बड़ा पैसा। मैंने कहा ठीक, बहुत पैसा है तुम्हारे पास भी, बड़ी बिल्डिंगें बना ली तुम लोगों ने। बताओ यहाँ पे कोई कोविड की वैक्सीनेशन यहाँ निकली हो, कोई यूनिवर्सिटी बना ली हो यहाँ ढंग की, जहां से अमेरिकन लोग आके यहाँ पढ़ रहे हो, कोई नया फाइटर जहाज बना लिया तुम लोगों ने? हाँ, गाड़ियां बड़ी हैं, 4-4 शादियां हैं, 70-70 बच्चे हैं। अगर तुम्हारी तरक्की इसमें समझते हो तो खुश हो लो भाई तुम। तो ये दर हकीकत आज आज आपका 2 बिलियन मुसलमानों का दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने तालीम से बायकॉट कर रखा है। आप वर्केबल नहीं है, आप गुस्से में है, हर वक्त गुस्से में है, और हर चीज को मजहब की तरफ ले जाते हैं, हर चीज को। ये बिहेवियर अच्छा बिहेवियर नहीं मेरे ख्याल। मैं खुद जाना, मेरे मेरे कान तरस चुके हैं कि मैं देखूं यार, मेरे 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 पाकिस्तान ने फलान चीज में बहुत तरक्की कर ली। बताया मुझे कल परसों भी किसी ने बड़ा उल्टा, मैं हालांकि कमेंट्स पे ज्यादा तवज्जो नहीं देता, तो भाईजान को ब्रिटेन से, इंग्लैंड से बड़े गर्मी सर्दी कर रहे थे, भी तो पाकिस्तान को फलां फलां बातें करते हो। सबसे पहले तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा भाईजान सबसे पहले तो आप चले जाएं वहां वापस, आप यहां बैठ के जो खामखा की वेलफेयर ले रहे हैं ब्रिटिश टैक्स पेयर्स की, वो ना करें। अगर इतना आपको पाकिस्तान का दर्द है, सबसे पहले तो वहां जाओ। वहां इस वक्त अगर लोग खाना खाते हैं तो बिजली का बिल नहीं दे पाते, जाओ ना वहां पे, एयर कंडीशन माहौल के अंदर बैठ के बातें करना बहुत अच्छा है। आपने पाकिस्तान बनाया है, मुझे ये, मैं तो अभी इस चीज पे भी कंफ्यूज हूं, क्या किया है आपने, ये भी तो कन्विंस करें ना मुझे। ईस्ट पाकिस्तान बंगालियों से तो जान छुड़ा लिया आपने जाके, बल्कि वो कहते थे हमारे ऊपर बोझ है, उनसे तो छुड़ा नहीं जान आपने। दूसरे बलोची क्यों नहीं आपके साथ चल रहे, आपके साथ पठान क्यों नहीं चल रहे अब आज आपके साथ, क्या वजह है?
बात करेंगे आज हम एप्पल की। जी हाँ बिल्कुल, और कंपनी में एक नया जो चेंज आया है और यकीनन वो हिंदुस्तानी तो हमारे बहुत दोस्त जो दोस्त हैं बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन या खुश हो रहे होंगे कि जी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिनको लगाया गया है और जनवरी 1 2025 से अपनी ड्यूटी पे जाएंगे, और इनका नाम है जी केवान पारख। केवान पारक जो है इनका ताल्लुक भारत से है और तकरीबन 11 साल से ये मतलब ये इंजीनियर है और 11 साल से ये एप्पल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब जी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उसकी पोस्ट के ऊपर इनको जो है प्रमोशन दी गई है, और साथ ही साथ ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को भी देखेंगे, साथ कंपनी के जो ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उसको भी देखेंगे। ये एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो है वो जगह जगह लगा दिए हैं, और कहा यही जा रहा है कि जी जैसे कि आप लोगों ने देखा चाहे IMF हो या दूसरी कई मल्टीनेशनल कंपनीज, चाहे वो यूट्यूब हो या जिसका नाम लीजिए, वहां पर हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं और वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर। और जाहिर है इसमें इनका एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है, और अगर ये भारतीय चाहे भारत में ना भी रहे हो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारतीय तो हैं मगर वो कभी भारत में रहे नहीं, लेकिन बहरहाल क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडियन हैं, वो खुद इंडियन हैं, तो वो भारतीय ही कहलाएंगे चाहे उन्होंने कहीं से भी एजुकेशन ली हो। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो इंडियंस हैं जो कि यानी कि भारत में नहीं रहते, ओवरसीज इंडियंस हैं, उन्होंने भी खास वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर, और यही वजह है कि हमने देखा कि हर जगह पर जो है वो भारत के लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के सिटीजन आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे। उसका एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में शायद एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी तक इस काबिल नहीं है कि जिससे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों से खुश हो रही हूँ या उनको लेना पसंद करती हूँ। पाकिस्तानी खुद भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको हमने देखा कि वो कोई खास एजुकेशन की तरफ नहीं जाते, जो ज्यादातर लोग रह रहे हैं या तो वो यहीं से अगर कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी एजुकेशन अच्छी कर ली है तो वहां पे कुछ कंपनीज में लग गए, लेकिन उस पोस्ट के ऊपर नहीं जा सके, वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक भारत के लोग पहुंच रहे हैं। ज्यादातर पाकिस्तान के लोगों को ये देखा गया है चाहे वो दुबई हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, या किसी यूरोपियन कंट्री में हो या गल्फ कंट्रीज में हो, ज्यादातर वो टैक्सी या फिर टैक्सी चला रहे हैं या फिर इसी तरह रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं और कुछ इसी किस्म के काम कर रहे हैं। बहुत से लोग तो खैर भीख मांगते हुए भी पकड़े गए, ये भी आप लोग सभी जानते हैं। तो कितनी बदनामी की बात है, यानी कोई थोड़ा बहुत किसी ने कुछ मेहनत करी भी पाकिस्तानी ब्रिटिश ने तो हरकतें दोबारा वही पाकिस्तानियों वाली ही शुरू कर ली, बदनामी वाली। तो अफसोस होता है देख के, ऐसा लगता है यार कोई भी सही नहीं है, कोई बहुत टाइम लगेगा, बहुत साल लगेगा, साल लगेंगे मुझे लगता है सुधरने में पाकिस्तानियों को।